कल्चरल मैप जो होता है, यानी कि मानव की गतिविधियाँ हैं, कल्चरल मैपिंग, कल्चरल मैपिंग आल्सो नाउ एज कल्चरल रिसोर्स, यानी कि जो सांस्कृतिक साधन होता है उनके लिए कल्चरल मैपिंग की जाती है। रिसोर्स मैपिंग और कल्चरल लैंडस्कोप मैपिंग रिफेयर्स ए वाइड रेंज ऑफ रिसर्च टेक्निक्स, जो कि एक विभिन्न क्षेत्र के रिसर्च डाटा है उसका विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये रिसर्च तकनीक है एंड टूल्स यूज टू मैप डिस्टेंट प्यूपल टेंगली एंड इंटेंगली कल्चरल, जो कि एक क्षेत्र के जो विभिन्न सांस्कृतिक दृश्य हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत कर सकते हैं। लोकल लैंडस्कोप अराउंड द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन कंसीड अबाउट सिग्निफिकेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी यूज देन, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो है बाकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है कि उन क्षेत्रों के अंदर किस तरह की सांस्कृतिक विशेषताएँ पाई जाती हैं। इन इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी यूनेस्को नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेज एडॉप्टिंग इंक्लूज वे ऑफ इंक्लूजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो विभिन्न विविधताएँ हैं, मानव की जो विभिन्न विविधताएँ हैं उन विविधताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और कल्चरल मैपिंग जो है आल्सो यूज डिस्क्राइब ऑफ द यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी, कल्चरल मानचित्र का जो उपयोग है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के उपयोग के लिए किया जाता है। टूल्स एंड टेक्निक टू आइडेंटिटी डिस्क्राइब पॉइंटी प्रमोट एंड प्लान फ्यूचर ऑफ यूज पर्टिकुलर, भविष्य के प्लान को जानने के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषताएँ उनको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए बॉडी लिवेशन मैपिंग एक्सरसाइज पर्पज इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी इज इंक्रीजिंग इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग इटसेल्फ draw attention to the extensive or the important of cultural resource, यानी कि वहाँ के मानव समुदाय के जो भी विभिन्न उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जो सूचना है उनको एकत्रित करने के लिए इन कल्चरल मानचित्र का उपयोग किया जाता है। कल्चरल मैपिंग इज एमरिंग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इन विच ए रेंज ऑफ यूज्ड विभिन्न मानचित्र जो कल्चरल एक्टिविटी है उनका अध्ययन करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि सांस्कृतिक जो मानचित्र होते हैं, सांस्कृतिक मानचित्र जो होते हैं वो विभिन्न विविधताओं को जानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और सांस्कृतिक मानचित्र जो है सांस्कृतिक मानचित्रों का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें उपयोग किया जाता है, जो कि वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएँ या विभिन्न जो विशेषताएँ पाई जाती हैं उनका अध्ययन आसानी से कर सकें।